Hey guys, welcome back to another video. So, आज हम लोग alter command देखने के लिए जाएंगे. Alter हम लोग कैसे कर सकते हैं किसी भी already made up table के अंदर. ठीक है, पहले से जो बना हुआ table है उसके अंदर हम लोग alteration कैसे कर सकते हैं. Alter का मतलब simply सा ये है. चलो, alter के संग हम लोग use करते हैं add command को, modify command को, add constant command को, ड्रॉप कमांड को और एनेबल डिसेबल कमांड को. एक एक करके शुरू करते हैं. ठीक है, हम लोग पहले देखते हैं कि ऑल्टर के संग हम लोग ऐड कमांड कैसे यूज कर सकते हैं. ऑल्टर प्लस ऐड जब भी हम लोग करते हैं तो हम लोग ऐड कॉलम कर रहे होते हैं. तो हम लोग कैसे लिखेंगे ऑल्टर प्लस ऐड कॉलम. ठीक है, एक मिनट. हाँ, ऑल्टर फिर लिखेंगे टेबल, उसके बाद फिर लिखेंगे जो भी हमारे क्या करती हूँ मैं कभी कभी, जो भी हमारे टेबल का नाम है वो, एंड देन हम लोग लिखेंगे ऐड कॉलम. इंग्लिश है ना, सिंपल है ना, कोई दिक्कत नहीं है. नाउ हम लोग लिखेंगे न्यू, जिससे ना मुझे पता चल जाए कि ये नया कॉलम ऐड हुआ है, ये वाला कॉलम ऐड हुआ है. ठीक है, इसको मैं दे देती हूँ वेर कैर, और इसमें मैं दे देती हूँ एक बहुत छोटा सा कैरेक्टर डिजिट विच इज 2. ठीक है, सेमी कॉलन लगाऊंगी, एंटर करूंगी. जैसे एंटर किया जीरो क्वेरी ओके, मतलब क्वेरी ओके जहां पे भी लिखा आ गया हमारा काम हो चुका है. ठीक है, चलो देखते हैं कि आया है नहीं आया. डी एस सी करूंगी, टेबल का नाम लिखूंगी एस टी यू डी. ठीक है, सेमी कॉलन लगाऊंगी, एंटर करूंगी. देखो नीचे आ चुका है न्यू. अभी हमने इसमें कोई भी कंस्टेंट नहीं दिया था तो कोई दिक्कत ही नहीं आई. ठीक है, कंस्टेंट यहाँ पे नहीं आया. नॉट नल है, नहीं नल कर सकते हैं हम लोग इसे, डिफॉल्ट नल रहेगा इसमें हमेशा. बाकी सब चीजें हमें समझ में आ चुकी हैं. नाउ हम लोगों को क्या, हम लोगों ने क्या सीख लिया, ऐड करना. ठीक है, अब ऐड में ना हम लोग ये भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने सबसे एंड में हमने यहाँ पे जो कॉलम है वो ऐड किया है. चाहते हैं तो बीच में भी कर सकते हैं, चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं. उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अगर हमें फर्स्ट में करना है ऐड, ठीक है, एफ आई आर एस टी लगा देंगे. ठीक है, अबे यार, हाँ फर्स्ट लगा देंगे. जब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ना, इस पर्टिकुलर जगह पे मैं अगर फर्स्ट लगा दूंगी तो फर्स्ट में ऐड हो जाएगा जो हमारा कॉलम है. अगर मैं चाहती हूँ बीच में ऐड करने के लिए तो हम लोग आफ्टर कमांड का यूज करेंगे. पहले लिखेंगे आफ्टर, यहाँ इसके बाद लिखेंगे, मतलब सेमी कॉलन से पहले. ठीक है, आफ्टर लिखेंगे एंड उसके बाद फिर दूसरे कॉलम का नाम लिख देंगे. जैसे नेम के बाद अगर मैं करना चाहती हूँ तो मैं नेम लिख दूंगी आके, और नेम के बाद कोर्स से पहले हमारा वो जो नया वाला कॉलम है वो स्टोर हो जाएगा. नाउ हमने ऐड कमांड सीख ली ऑल्टर के संग, अब हम लोग सीखते हैं मॉडिफाई. से पहले मैं ड्रॉप सीख लेते हैं. ठीक है, अब ड्रॉप करना चाहती हूँ, लेट्स से कि मैं ऑल्टरनेट मॉब को ड्रॉप करना चाहती हूँ. ठीक है, सो मैं क्या लिखूंगी, ए एल टी आर टेबल. ठीक है, ये हमेशा रहेगा हमारे संग. उसके बाद फिर मेरे को टेबल का नाम लिखना पड़ेगा हमेशा ही. नाउ नेक्स्ट रहेगा हमारे पास ड्रॉप कॉलम, उसके बाद कॉलम का नाम सिंपली, सिंपल है ना यार, कितना सिंपल है, ए एल अंडर स्कोर एम ओ बी कॉमा जीरो इफेक्टेड. हो गया काम, हुआ नहीं हुआ, देखिए जी बिल्कुल, देखते हैं. डिस्क्राइब स्टूडेंट लिखेंगे, एंटर करेंगे, ऑल्टर मॉव पहले था अब नहीं है. देखो ऑल्टर मॉव पहले था अब नहीं है. चलो जी समझ में आ गया ऑल्टर मॉव भी कैसे था, ऑल्टर मॉव भी हमने कर लिया अब. ठीक है, अब हमारे पास क्या है, हमारे पास ये हो गया और ये हो गया. मॉडिफाई नहीं हुआ अभी, मॉडिफाई देखें मॉडिफाई. चलो जी देखते हैं. ठीक है, मॉडिफाई से पहले ना यार मैं सोच रही हूँ कि पहले हम लोग ऐड कंस्टेंट देख लेते हैं. चलो ऐड कंस्टेंट देखते हैं, ए एल टी ई आर टेबल, नेम लिखेंगे टेबल का एस टी यू डी. अब नया वो आएगा ऐड कंस्टेंट लिखेंगे. नाउ हम लोग लिखेंगे कॉलम का नाम या फिर कंस्टेंट का नाम, पहले क्या होगा बताओ, पहले रहेगा हमारा कंस्टेंट का नाम. लेट्स से कि मुझे ना किसी एक को यूनिक की बनाना है,
किसको यूनिक की बनाए, किसको बनाए, न्यू को यूनिक की बना देते हैं, क्योंकि न्यू का हमारा इन फ्यूचर में डिलीट भी करने वाली हूँ, अभी थोड़ी देर में फिर से डिलीट करूंगी इसे, ठीक है, न्यू को बना देते हैं, ठीक है, न्यू, न्यू लिखेंगे ब्रैकेट, न्यू नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, न्यू को यूनिक की बना देते हैं, यूनिक, यूनिक लिखेंगे, ब्रैकेट बनाएंगे और लिख देंगे न्यू, ठीक है, न्यू, और सेमी कॉलन लगाएंगे, एंटर करेंगे, हो गया काम, हुआ या नहीं हुआ, देखें, चलो जी देख लेते हैं, पहले यहाँ पे यूनिक नहीं लिखा हुआ था, अब यूनिक लिखा हुआ आ गया ना, चलो जी ये भी हो गया हमारा। हम लोगों को क्या क्या सीख लिया हमने, हमने इसमें से सीख लिया एड कॉन्स्टेंट सीख लिया, ड्रॉप सीख लिया और एड सीख लिया, चलो जी तीन चीजें हमने सीख ली हैं, बहुत अच्छी बात है। अब सीखते हैं मॉडिफाई, चलो जी मॉडिफाई भी सीख लेते हैं। मॉडिफाई का मतलब ये है कि लेट्स से कि मैंने ना कोर्स को वेयर कैर कर रखा है ना, मेरे को एक्चुअल में करना था यार इसमें, शिट यार इसमें मुझे इंट करना था, अब क्या करूं, इंट करने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, मॉडिफाई वाला हमारा जो सिंटेक्स है वो यूज कर सकती हूँ। वो कैसे करेंगे, सेम लिखेंगे ऑल्टर टेबल, सेम लिखेंगे नाम, ठीक है, एंटर करेंगे, एंटर करना जरूरी नहीं है, इट्स ओके, एक लाइन में भी लिख सकते हो चाहे तो आप, ठीक है, मैं एंटर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि थोड़ी सी रीडेबिलिटी बढ़ती है। नाउ हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मॉडिफाई, यार मॉडिफाई करना पड़ेगा, चलो कोई बात नहीं करते हैं, ठीक है, अबे वाई लिख, मॉडिफाई, चलो जी मॉडिफाई लिखेंगे, ब्रैकेट ऑन करेंगे एंड कॉलम का नाम लिखेंगे, सी कॉलम का नाम क्या है हमारे, सी ओ यू आर एस ई, ठीक है, अब इसका मुझे चेंज करना है, इसको पहले था हमारे पास वेयर केयर, अब करना है मुझे इंट, तो मैं इंट लिखूंगी, साइज लिखूंगी इसका, लेट्स से कि मुझे 4 ही साइज देना है लेकिन इंट में होना चाहिए ये, और ब्रैकेट बंद करूंगी, कॉमा सेमी कॉलन लगाऊंगी, एंटर करूंगी, आई थिंक सो वर्क करना चाहिए था ये, बट नहीं किया है, चलो जी फिर से करते हैं, आई थिंक सो ये वर्क करना चाहिए था, गलत किया है मैंने कुछ, चलो जी इसको कॉमा वो हटा देते हैं, कभी कभी ना ऐसा होता है कि कुछ कुछ चीजें ना यार हमें याद नहीं रहती, बट सिर्फ और सिर्फ ये छोटी छोटी चीजें जो है वो रह जाती हैं। चलो जी अब एंटर करके देखते हैं, शायद अब वर्क करे, अभी भी नहीं कर रहा यार, करना तो चाहिए मॉडिफाई, यही है, करना तो चाहिए था ये वर्क, वाई इट इज नॉट वर्किंग, यार कुछ गलती हुई है, चलो फिर से करते हैं, बुक में तो ये भी मैंने बुक में भी चेक किया, अभी बुक में भी यही लिखा है, हाँ जी बिल्कुल हो गया गाइस, हो गया गाइस, हो गया, बुक में दे रखा था ब्रैकेट लगाना है लेकिन ब्रैकेट नहीं लगाना था, पता नहीं क्यों दे रखा यार, मतलब क्यों गलत चीजें क्यों दे रखी है यार तुम लोगों ने बुक वालों, चलो कोई बात नहीं यार, ब्रैकेट नहीं लगाना, आप लोग ब्रैकेट भी लगा सकते हो क्योंकि बुक में दे रखा है तो ब्रैकेट भी लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन मॉडिफाई आप कैसे करना है मैं फिर से बता देती हूँ आपको, ऑल्टर मैं ऊपर से करके दिखा देती हूँ, ठीक है, ऑल्टर टेबल एंड स्टूडेंट लिखना है, उसके बाद फिर मॉडिफाई, फिर कोर्स का नाम, अगर मुझे वेरिएबल चेंज करना है तो वेरिएबल लिख दोगे, ऐड कॉन्स्टेंट करना है तो ऐड कॉन्स्टेंट के लिए तो ऑलरेडी अलग दे रखा है, तो मॉडिफाई करना है तो हमेशा हमें डेटा टाइप ही चेंज करना होगा ऑब्वियसली, उसके अलावा तो कुछ और नहीं करना होगा, या ड्रॉप करना होगा किसी भी एक पर्टिकुलर कंस्टेंट को, है ना, एंटर करेंगे हो जाएगा काम, ठीक है, अब चलो चेक करते हैं कि हमारा ये काम जो है वो हुआ या नहीं हुआ, डिस्क्राइब स्टूडेंट करते हैं, यस बिल्कुल, कोर्स पहले था इंट, अब हो गया है, पहले था वेयर केयर, अब हो गया है इंट, हो गया काम हमारा बिल्कुल, मेरे को लगता है हमें फिर से चेंज कर देना चाहिए, है ना, फिर से चेंज कर देना चाहिए, गलत काम किया मैंने उसके संग, बेचारा कहाँ है मॉडिफाई, कोर्स तो हमारा जो है वेयर केयर ही रहेगा भैया, हम नहीं करेंगे चेंज, ब्रैकेट में करेंगे 4 एंड वैसे ही हम लोग
एंटर कर देंगे। और अब फिर से हमारा वो जो है वो वेयर केयर में चेंज हो गया। मैं चाहती हूँ वेयर केयर में रखना, इसलिए मैंने फिर से कर दिया इसे चेंज। नाउ एनेबल डिसेबल क्या है अब ये? इनेबल डिसेबल मतलब कॉन्स्टेंट को अगर हम लोगों को ड्रॉप करना है तो अनेबल डिसेबल हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अब इसको कैसे लिखेंगे? सेम लिखेंगे हम लोग ऑल्टर टेबल स्टूडेंट, ठीक है। अब हम लोग क्या लिखेंगे? अब हम लोग लिखेंगे एनेबल, इसको मैं बड़े में कर देती हूँ कि ऐसे कट आएगा, उसके बाद फिर आएगा डिसेबल, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग? अब इसमें लिखेंगे कंस्टेंट का नेम। कोई भी कंस्टेंट को हम लोगों को अगर डिसेबल करना होगा तो कंस्टेंट का नेम डायरेक्टली लिख देंगे। लेट्स से कि मुझे यूनिक हटाना है सब जगह से, तो ऐसे ये वर्क करता है। लेकिन बुक में यही दे रखा है, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा ये चीज, काम क्यों नहीं कर रहा है, ये वर्क नहीं कर रहा यार। आई थिंक ये वाले जो माई एसक्यूएल है उसमें वर्क नहीं करता ये। अगर नहीं करता तो कोई दिक्कत नहीं है यार, ये वाला जो टॉपिक है वो या फिर तो ना पढ़ो या फिर देख लो कि हाँ ये सिंटेक्स था इसका, ठीक है। डायरेक्टली कुछ इस तरह का सिंटेक्स था, मैंने यहाँ पे कहीं तो लिखा था, ठीक है, कुछ इस तरह का सिंटेक्स था इसका बुक में। और हो सकता है कि अभी अपडेट हो चुका है तो अपडेट में वर्क ना कर रहा हो, ऐसा हो जाता है कभी कभी, कुछ कुछ चीज़ें ना जो नहीं वर्क करती हैं तो नहीं वर्क करती हैं, तो कोई बात नहीं, उसे छोड़ दो उस पर्टिकुलर चीज़ को, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, इतना टेंशन मत लेने की, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ हमारे पास ऑल्टर पूरा समझ गए हम लोग, ठीक है। ऑल्टर हम लोगों ने सारे के सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, एक अनेबल डिसेबल को छोड़ के, वो अभी तक वर्क नहीं कर रहा। मैं इन फ्यूचर देखूंगी अगर और किसी वीडियो में मुझे मिलता है तो अनेबल डिसेबल भी करेंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने देखो इतनी सारी ट्राई कर ली लेकिन कुछ भी नहीं वर्क कर रहा उसमें। तो गाइज अभी के लिए इतना ही, होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं। अगर आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।